गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम 13.2 कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। 13.2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 13.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी आप बुक में देखें क्या के मैंने कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। तो हम एक सिलेंडर बना लेते हैं, ये सिलेंडर शेप है। ओके, सिलेंडर में क्या गिवन है? सबसे पहले तो गिवन है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया है 4.4 मीटर स्क्वायर, ये है इसका कर्व सरफेस एरिया। एंड इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द डायमीटर इज 0.7 मीटर, और इसका रेडियस गिवन है। ओके, रेडियस कितना गिवन है? 0.7 मीटर। 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। ओके, हमें क्या करना है? हाइट को कैलकुलेट करना है, मतलब एच कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें गिवन क्या है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का? 2πRh। यहाँ पे रेडियाई गिवन है 0.7, और हाइट किसमें? मीटर में गिवन है। हाइट हमें, ये हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एच कैलकुलेट करना है। 2πRh कितना होता है? 2πRh। तो कर्व सरफेस एरिया कितना गिवन है? 4.4। तो कर्व सरफेस एरिया के प्लेस पे रख देंगे हम 4.4 मीटर में। ओके, 2 इंटू वैल्यू ऑफ पाई, पाई का वैल्यू होता है 22 डिवाइड बाई 7, ये हमने पाई का वैल्यू रख लिया। रेडियाई कितना गिवन है? 0.7, ये रेडियाई रख ली। हाइट ये हमें कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था कि कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, बिकॉज सिलेंडर है तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh, तो 2πRh के इक्वल में रख दिया हमने कर्व सरफेस एरिया। ओके, सिर्फ वैल्यूज रखें अभी। अब वैल्यूज रखें, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने डेसिमल का 7 हटाया, तो डिवाइड में कितना है? 10 आ गया। 7 से 7 क्रॉस हो गया। ओके, 7 से 7 क्रॉस हो गया। यहाँ का डेसिमल हटाएंगे, क्या आएगा? डिवाइड में 10। ओके, डिवाइड में 10, तो 10 से यहाँ पे ये 10 भी क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। ओके, अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बता देता हूँ किस तरीके। h मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2, h मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाई 10। अभी इतना है। देखो, h से हम इन डिजिट्स को क्या कर लेंगे? अपोजिट साइड ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ पहुँचेंगे? डिवाइड में पहुँचेंगे, और डिवाइड में पहुँचेंगे तो 44 डिवाइड में 10 इतना है, तो डिवाइड में आया तो 22 मल्टीप्लाई बाई 2, 22 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पे जो डिवाइड का 10 था ऊपर पहुँचेगा किस में? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में पहुँचा तो 10 से 10 क्या हो गया? क्रॉस हो गया। 2 से हाउ मेनी टाइम्स? 22 टाइम्स। 20 टाइम 2 से 1 टाइम, यानी हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई है, और 1 क्या है? मीटर में है। ओके, हमें हाइट ही तो कैलकुलेट करनी थी, ये हमने हाइट कैलकुलेट कर ली है। तो क्वेश्चन के आंसर्स में लिख देंगे, हेंस द हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है? हाइट सिलेंडर का 1 मीटर। ओके, ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन था, रेडियाई गिवन थी, हाइट कैलकुलेट करनी है। हाइट कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRh हमने रखा, 2πRh जिसमें r गिवन है, पाई का वैल्यू फिक्स होता है 22 डिवाइड बाय 7, या फिर रख सकते हैं हम 3.14, और बाकी वैल्यूज रखी, वैल्यू रख के सॉल्व किया तो हाइट कितनी आ गई है? 1 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.2 का। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। थैंक यू।